तुम लोग क्या बना रहे हो? दिख नहीं रहा क्या? हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड बना रहे हैं मैम के लिए। ओ बहन, मेरा भी बना देना, मैम खुश हो जाएंगी। प्लीज प्लीज बना देना। ठीक है, थैंक यू। ये पकड़ो ना बैग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैम बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। हेलो मैम, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मोटी। तभी कहते हैं ना, अपना काम स्वयं करो। मैंने नहीं किया। न्यू ईयर है और हम आपको कोई गिफ्ट ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे सर, ऐसे कैसे, जरूरत तो थी ना। सर आप ये लो, अब ठंड हो रही है तो नहाने में तो दिक्कत होती होगी ना, और स्मेल भी आती होगी, तो आप ये लगा लेना। बात तो सही है, थैंक यू थैंक यू। x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस y स्क्वायर, अंडरस्टैंड? अरे रुको रुको, कल सब बच्चे अपना होमवर्क करके आएंगे, मैं चेक करूंगी सबकी कॉपीज, ठीक है? चलो चलो, न्यू ईयर पार्टी के लिए सब अपना अपना शेयर लाओ, 10 रुपीज ईच। 4, 5, 6, 7, 8। मेरे पास तो बस 6 रुपए हैं। चल तू 6 रुपए ही ला, पर तुझे टॉफीज नहीं मिलेंगी, ओके? ठीक है, कोई नहीं। चलो गाइस डन। सपना तू ओएस लेके आएगी, अनु तू फ्रूटी लाएगी, रवि तुम इमली वाली टॉफीज, और तुम डिस्पोजेबल ग्लासेस और कप्स, और मैं ना मम्मी से मैगी बनवा के ले आऊंगी, ठीक है? डन। ओके डन। ब्रो, न्यू ईयर पार्टी की कॉन्ट्री का क्या हुआ? हाँ भाई, निकालो 10-10 हजार। हाँ हो रही है पार्टी तेरी 10-10 हजार में। पता है 30 हजार का तो टेबल बुक होता है क्लब में। हाँ हाँ, तुझे बड़ा टेबल पे चढ़ के ही नाचना है। मैं बता रही हूँ, मैं 10 हजार से ना एक फूटी कौड़ी एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। वैसे भी मुझे अपने बंदे के साथ ट्रिप पे जाना है नेक्स्ट मंथ, मेरा सब कुछ प्लान है। और मैं बिना टेबल बुक किए क्लब में नहीं जाऊंगी। आई विल पे एक्स्ट्रा, आ जाना तू मेरी चैरिटी पार्टी में। चुप। 20 के ईच, ठीक है? और सपना तू 10 के दे दियो, और आफ्टर पार्टी मेरे टेरेस पे होगी तो सब अपना अपना दारू लाएंगे, ओके? उसमें कोई नाटक नहीं। चलो चलो। मम्मी मम्मी, मुझे ना तैयार कर दो, आज स्कूल में रिसेस में न्यू ईयर पार्टी है। अच्छा बेटा, ला तेल दे। आपको पता है मम्मी, आज हमने ना रिसेस में बहुत तैयारी की पार्टी की, मैंने सबसे 10-10 रुपए लिए। और पता है, सपना को चिप्स लाने बोला, अन्नू को फ्रूटी लाने बोला, और रवि को टॉफीज लाने बोला। और पता है, बहुत खाने वाले हैं आज तो, आज तो सब क्लास में मस्त एंजॉय करने वाले हैं। हाँ बस मम्मी के हाथ का लंच नहीं खाना, और सब खाना इन्हें, है ना? अरे मम्मी रोज तो खाती हूँ ना, आपके हाथ गई, आज तो पार्टी करने दो। स्कूल पे सेम टाइम में लेने आऊ ना? हाँ आ जाना, पापा को भेज दो ना। हो गया, चल खड़ जाओ। लल कचल। अरे ये क्या है, इतनी सर्दी हो रही है और बस ये कोट पहन रखा है। उतार उतार अभी तक। यहाँ इसे पहन, इतनी ठंड हो रही है पर इन्हें फैशन झाड़ना है बस। कम हो रही है ठंड। अच्छा ठंड नहीं हो रही, हाथ देख के ठंडे हो रहे बर्फ से। बाल खराब कर दिया। कुछ खराब नहीं हो रहा, ये कोट पहन। अच्छा इधर खा दे। अब लग रही है ना एकदम सुंदर। ये क्या यार, मम्मी चंपू बना दिया बिल्कुल, और मैं कैसे भालू जैसी लग रही हूँ। अरे बेटा बिल्कुल भी चंपू नहीं लग रही, और ये जो तिरिल है ना, ये तो स्कूल तक जाते जाते उड़ ही जाएगा। और ये देख कितनी ठंड हो रही है बाहर,
पता है जब हवा चलेगी ना कानों में घुसेगी तब बोलेगी कि अच्छा किया मम्मी ने स्वेटर पहना दिया, बीमार हो जाएगी बेटा। चलो बाय। अरे बाय। बहुत ठंड हो रही है। शॉल जैकेट पहन लेते हैं। ये भी ले लियो शॉल। कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा वैसे, ये वाला या फिर ये वाला? ये ग्रीन वाला ले। और तू ये पहन ले। हाँ ग्लव्स पहन लेते हैं। ये ले। लो मुझे दे दे। बहुत सर्दी है यार। बहुत ज्यादा। ये न्यू ईयर पे हमेशा हो जाती है ना। ये ले। और क्या रह रहा है पहनने? हो गया हो गया। आए हाय, ये पहन के जाओगे तुम लोग न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने? हाँ मम्मी बाहर देख रहे हो ठंड कितनी ज्यादा हो रही है। मैं तो नहीं जा सकती ऐसे, मर जाएंगे ठंड के मारे। एक हमारा जमाना हुआ करता था कि घर से पूरे पूरे कपड़े पहन के निकलते थे क्योंकि हमें परमिशन तो मिलती नहीं थी, और जैसे ही गली में पैर रखा एक एक करके सारे कपड़े उतर जाते थे। आजकल के बच्चे हैं जो जवानी में ही बूढ़े हो जा रहे हैं, घर से परमिशन मिलने के बाद भी पूरे पूरे कपड़े पहन रहे हैं। मम्मी हम जा रहे हैं अब। बाय। हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी सुबह के बर्तन गंदे रखे होंगे ना, किचन में इतनी सर्दी भी हो रही है, मैं ही जाके साफ कर देती हूँ, है ना? अरे नहीं वो तो मैंने कब का धो दिया। ओ सपना, मम्मी से पार्टी की परमिशन चाहिए तो थोड़ी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। मम्मी अरे पैर लाओ ना, इतना काम कर करके आप भी थक गई होंगी ना, तो मैं आपके पैर दबा देती हूँ थोड़ी देर। अरे इसकी फ्रेंड का तो मुझे पहले ही कॉल आ गया था न्यू ईयर पार्टी के लिए, ये बेचारी परमिशन लेने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। उधर थोड़ा अच्छे से करना। और ये ना मेरे फोन में कुछ हो गया है, वो गुर गुर कर रहा है, तो इसको ठीक कर दे। वो बजते है ना वो वाला करते हैं। जी मम्मी एक सेकंड। हाँ वो बजने वाला जो बजता है ना वो लगा दे। हाँ हाँ हो गया, ये लो। और हाँ इसकी ना ब्राइटनेस भी बहुत कम हो गई है, इसको थोड़ा बढ़ा दे। अरे मम्मी अंधे हो जाओगे आप, इतनी तो है और कितनी बढ़ाऊं, फुल है देखो। चल कोई ना, तो एक काम कर मेरी फोटो वीडियो ले ले, वो थोड़ा फेसबुक पे डाल। अरे मम्मी अभी ये लो। एक मिनट एक मिनट। और अब वीडियो बना दे। अब बस कर देते। तेरी न्यू ईयर पार्टी है ना, तो एक काम करियो डिस्पोजेबल कप और प्लेट ना घर से ले जाइयो, एक्स्ट्रा पैसे मत खर्च करियो इस पे, ठीक है? अरे परमिशन बिना मांगे मिल गई। हाय मम्मा, आई एम गोइंग फॉर अ न्यू ईयर पार्टी और मुझे ना आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। डोंट वरी बेटा। बाय द वे कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी मॉम, आप मुझ पे डाउट कर रहे हो क्या? मतलब आप मुझे कैसे पूछ सकते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ? एक्चुअली मैं और तुम्हारे डैड भी न्यू ईयर की पार्टी के लिए जा रहे हैं, प्लेबॉय क्लब, तो दैट इज व्हाई मैं पूछ रही थी। ओह इन दैट वे। अच्छा मॉम मैं तो प्रीवी जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके बेटा एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट ईयर, बाय बाय। बेबी सुनो ना, मुझसे क्यों नाराज हो? आज तो नया साल है ना, अगर तुम आज नाराज होगे तो पूरे साल नाराज रहोगी। बोलो बोलो, तुम्हें जानना चाहते हो मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? तो सुनो, मैं 12 बजे मम्मी का फोन चढ़ा के तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश करोगे, पर तुमने
मुझे 12:03 पे विश किया। अरे बेबी वो तो मैं अब बिजी हो गया था ना इसलिए। नहीं मैं देख रही थी 11:58 से तुम कंटिन्यूअसली ऑनलाइन थे पर तुमने मुझे विश किया 12:03 पे। अरे नहीं नहीं बेबी तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है पक्का। नहीं तुम पक्का उस रिया से बात कर रहे होगे। यू डोंट लव मी एनीमोर। मैं जा रही हूँ। अरे अरे बेबी इसको कैसे पता चलेगा कि मैं रिया से बात कर रहा था। कहीं उस रिया ने इसे बता तो नहीं दिया। डालू हैप्पी न्यू ईयर। बेबी मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था ना तो इसलिए लेट हो गया। अबे पागल हो गया है क्या? रात के 3 बजे न्यू ईयर विश कर रहा है। सुबह नहीं हो सकती क्या न्यू ईयर? पागल कहीं का। चल फोन रख। हेलो बेबी। ये लो गाइस मैगी का है। वो मम्मी बीमार थी ना इसलिए मैगी नहीं लाई थी। तू ये खा। चलो अब हम सब ना अपना अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताते हैं। पहले मैं मैंने इस बार अपनी सारी कॉपी को कंप्लीट रखूंगी एंड नो लेट वर्क। मैं ना सुबह जल्दी उठूंगी और स्कूल में कभी लेट नहीं आऊंगी। मैं इस साल चिज्जी नहीं खाऊंगी। अपना लंच पूरा फिनिश करके घर जाऊंगी और हाँ पॉकेट मनी भी बचाऊंगी। तेरे बस की नहीं है। और मैं ना इस बार स्कूल में एकदम हाई मार्क्स लेके आऊंगा। हाई मार्क्स लाने वाला। अरे यार ये न्यू ईयर पार्टी के चक्कर में कुछ ज्यादा ही आउट हो गया यार। मेरा तो रेजोल्यूशन है न्यू ईयर का कि मैंने 3 बोतल बियर से ज्यादा पीनी नहीं है भाई। और मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं हुक्के को हाथ पे नहीं लगाऊंगी। पूरा गला चोक हो गया है। मेरा तो एक ही रेजोल्यूशन है यार कि मुझे क्लास टाइम पे पहुंचना है। अटेंडेंस नहीं है यार एग्जाम्स में कैसे बैठूंगी। अबे यार बस करो ये रेजोल्यूशन होने दो मुझे। दारू भी खत्म हो गई। अगर इस ठंडी आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है तो कोई नहीं कंबल ओढ़ो और मोबाइल निकालो और हमारी वीडियो देखो एंजॉय करो। और आप कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और हमें ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए। बाय द वे अब हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ शेयर कर दो। बस अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय।